Now, dear students, today we will solve question number 6. Find the following integrals in exercise 6 to 20. तो यहाँ पे हमें इनका इंटीग्रल्स बेटा फाइंड करना है. जो पिछले वाले क्वेश्चन थे 1 to 5 थे, उनको हमने इंटीग्रल फाइंड किया था, एंटी डेरिवेटिव फाइंड किया बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन. तो आज हमें डायरेक्टली हमें इनका इंटीग्रल फाइंड करना होगा. देखो बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है. देखो ये कम्बिनेशन ऑफ 2 है बेटा यहाँ पे, तो इनको हम अलग अलग से भी इंटीग्रल लगा सकते हैं. 4a^3x मैं लगा सकता हूँ बेटा dx, प्लस फिर 1 है बेटा यहाँ पे भी इंटीग्रल लगा सकता हूँ, 1 dx लगा सकते हैं बेटा. क्लियर? इक्वल टू, देखो बेटा 4 यहाँ पे कोएफिशिएंट है, इंटीग्रल से आ जाएगा बाहर a^3x और dx साथ में, प्लस देखो 1 बेटा कोएफिशिएंट है, उसको छोड़ो, आप बाहर भी रख सकते हो कोई बात नहीं, तो dx ऐसे लिख सकते हो बेटा, एक आइडिया आ जाएगा आपके पास. देखो फिर 4, देखो बेटा यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ e^3x, आपको सोचना है कि व्हाट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ बेटा व्हाट इज़ द इंटीग्रल ऑफ e^x. तो ऑब्वियसली इंटीग्रल ऑफ e^x इज e^x, तो यहाँ पे भी अगर 3x है तो 3x आएगा, और जो यहाँ पे बेटा पावर होता है ना वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आता है. जैसे हम इसका डेरिवेटिव ढूंढते थे, अगर यहाँ पे 3x होता तो उसमें हम मल्टीप्लाई में 3x लिखते, तो यहाँ पे आता है बेटा डिवाइड में, और साथ में क्या है बेटा प्लस 1. तो ऐसे ही है, इंटीग्रल ऑफ dx होता है बेटा x, और साथ में लगाते हैं कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रल है तो वहाँ पे हम लगाते हैं बेटा c, वो हमने पिछली वीडियो में बताया है आपको. तो यहाँ पे बेटा इसका आंसर 4/3 e^3x प्लस 1 इंटू एक्स हो गया बेटा x, और प्लस आ जाएगा बेटा c. ये होगा बेटा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का, है ना इजी. तो नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7. देखो बेटा सोल्यूशन जब लिखेंगे तो यहाँ पे हमारा इंटीग्रल है जो एक्स स्क्वायर है बेटा, ये हम इनको पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर 1000, तो एक्स स्क्वायर आएगा बेटा माइनस एक्स स्क्वायर 1000 एक्स स्क्वायर, और डिवाइड बाय आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर, साथ में लगाएंगे बेटा ब्रैकेट और साथ में dx. अब क्या करेंगे बेटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ऐसे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस, देखो बेटा ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे कैंसिल, तो वहाँ पे क्या रह जाएगा आपका बेटा 1, और साथ में लगाएंगे dx. अब यहाँ पे देखो बेटा ये है एक्स स्क्वायर, तो dx लगाओ फिर माइनस 1, और साथ में लगाएंगे बेटा dx. नाउ अब एक्स स्क्वायर को जब हम बेटा जब इसका इंटीग्रल फाइंड करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो आ जाएगा x, यहाँ पे फॉर्मूला है बेटा n प्लस 1, तो आ जाएगा 2 प्लस 1, और नीचे आता है बेटा डिवाइड में 2 प्लस 1 माइनस, देखो बेटा 1 तो ऐसे ही छोड़ो, इंटीग्रल आप dx लगाओ फिर यहाँ पे, देखो बेटा एक्स 2 प्लस 1 हो गया 3, और डिवाइड में आ जाएगा 3, और माइनस 1 को ऐसे ही छोड़ो बेटा, dx का होता है x, और साथ में लगाते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्स्टेंट है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा फिर x³/3 माइनस x, और साथ में लगाएंगे बेटा c, तो ये होगा इसका आंसर. क्लियर? शाबाश. तो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 8, देखो बेटा मैंने बोला आप अलग अलग भी इंटीग्रल लगा सकते हो बेटा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रल ऑफ bx dx प्लस c इंटीग्रल ऑफ x प्लस d. क्लियर? क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट तो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर dx प्लस यहाँ पे बेटा b इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, तो x dx लिखेंगे, और यहाँ पे c है बेटा तो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा तो dx लिखेंगे. क्लियर? देखो फिर यहाँ पे a x, देखो बेटा अब आपको याद रखना, अब हम डायरेक्टली करेंगे, यहाँ पे मैंने दिखाया आपको बेटा हम करते हैं 2 प्लस 1 जो भी पावर होता है इसके साथ 1 ऐड करते हैं, और नीचे भी वही करते हैं, जो यहाँ पे आपका पावर रह जाता है वही पावर हम नीचे भी लगाते हैं डिनोमिनेटर में. तो अब आप यहाँ पे याद रखो बेटा, अगर यहाँ पे x स्क्वायर होगा तो ये आ जाएगा क्यूब डिवाइडेड बाई आ जाएगा बेटा 3. क्लियर? प्लस ये भी, अगर यहाँ पे x है तो पावर इसका 1 है, तो 1 बढ़ा दो बेटा तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, और नीचे भी आ जाएगा आपका 2. क्लियर? और प्लस c, तो dx का होता है बेटा इंटीग्रल ऑफ dx क्या होता है बेटा x होता है, और साथ में लगाते हैं कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. तो ये है बेटा आपका आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8. क्लियर? नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9. देखो बेटा यहाँ पे यह है क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रल ऑफ 2x² + e^x एंड dx.
तो अब आपने वहाँ पे ऊपर सीखा है ऊपर वाले क्वेश्चन में से कि 7 और 8 में कि हम अलग अलग भी लगा सकते हैं इंटीग्रल। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे अब हम डायरेक्ट करेंगे क्योंकि ऊपर आपने सीखा है, अगर किसी को नहीं आता है तो अलग भी लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम डायरेक्ट इसका इंटीग्रल फाइंड करेंगे। देखो बेटा ये 2 यहाँ पे कोएफिशिएंट तो 2 ही लिखेंगे, अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो मैंने बोला यहाँ पे 1 पावर बढ़ाओ, 1 बेटा इसका बढ़ाओ, अगर यहाँ पे x स्क्वायर है तो यह आ जाएगा क्यूब और नीचे भी आएगा वही 3, क्लियर। प्लस ई रेज पावर का x का इंटीग्रल क्या होता है बेटा, ई रेज पावर x ही होता है, क्लियर। तो ई रेज पावर x ही आएगा और फिर साथ में लगाएंगे बेटा c, तो यह है बेटा इसका आंसर, एक ही स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा, क्लियर। नाउ उसके बाद है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स होल स्क्वायर, तो यही लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स होल स्क्वायर और साथ में लगाते हैं बेटा dx, क्लियर। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हम लगाएंगे a माइनस बी होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा, होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab और साथ में लगाते हैं बेटा बी स्क्वायर, तो ये भी ऐसे ही आएगा। हम लेंगे बेटा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स होल स्क्वायर, फिर लिखे ए स्क्वायर, फिर लिखेंगे बेटा बी स्क्वायर स्क्वायर रूट होल स्क्वायर और प्लस 2ab 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और साथ में लगाएंगे बेटा dx। ये जो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा बेटा, कैंसल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये स्क्वायर रूट और कैंसल हो जाएगा बेटा, यहाँ पे रह जाएगा एक्स और प्लस, देखो बेटा 1 1 इज़ आर 1, ये स्क्वायर इसके साथ भी आ जाएगा तो यहाँ पे रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी रह जाएगा आपका एक्स और प्लस क्या है बेटा 2 और बाहर क्या है हमारे साथ, हमारे पास dx है बेटा, क्लियर। नाउ मैं अलग अलग करके इसको बता दूंगा बेटा, एक्स और साथ में लगाएंगे dx प्लस, अगर यह है बेटा 1 बाई एक्स साथ में बेटा dx और प्लस इंटीग्रल 2 और साथ में लगाएंगे dx। एक्स है बेटा तो आ जाएगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 क्योंकि पावर यहाँ पे 1 है तो 2 बन जाएगा, एक हम बढ़ा देते हैं। देखो बेटा इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स होता है बेटा लॉग ऑफ एक्स, किसके बराबर होता है, लॉग ऑफ एक्स के बराबर होता है, इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स इज लॉग ऑफ एक्स, वो मैंने पहले वीडियो में आपको बताया बेटा। प्लस ये जो 2 है यहाँ पे कोएफिशिएंट आ जाएगा और इंटीग्रल यहाँ भी लिखेंगे dx, क्लियर। तो यह आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स और प्लस 2 dx का होता है बेटा एक्स और साथ में लगाते हैं बेटा सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यह है बेटा आपका आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10, है ना इजी। नाउ आफ्टर 10 वे क्वेश्चन नंबर 11। देखो बेटा एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू साथ में बेटा dx, तो लिखेंगे बेटा एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर और साथ में है बेटा dx। ये जो यहाँ पे डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर है इनको आप डिस्ट्रीब्यूट करो बेटा, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर और साथ में है बेटा dx। तो देखो बेटा स्क्वायर यहाँ पे 2 यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे हो जाए कैंसिल, यहाँ पे एक ही रह जाएगा, ये एक्स स्क्वायर ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो ऊपर ये ऊपर चला जाएगा बेटा, तो हम लिख सकते हैं एक्स प्लस लिखेंगे बेटा 5 माइनस 4, ये जब ऊपर चला जाएगा तो एक्स रेज पावर माइनस 2 आ जाएगा, इनवर्स बन जाएगा बेटा, तो साथ में लगाएंगे dx। अब इनको आप जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे बेटा, एक्स यहाँ पे पावर 1 है तो 2 आ जाएगा, वही 2 डिवाइड में आ जाएगा। प्लस जब भी आपके साथ पास कॉन्स्टेंट होता है बेटा वो कॉन्स्टेंट ऐसे ही लिखते हैं और साथ में इसके साथ dx है, dx का होता है बेटा x, तो जो भी कॉन्स्टेंट होगा एक तो वो कॉन्स्टेंट लिखो और साथ में लिखो, अगर x में वेरिएबल होगा तो x, y में होगा तो y, यहाँ पे x है तो बेटा किसके रेस्पेक्ट में है, x के रेस्पेक्ट में, तो x ही लिखेंगे यहाँ पे। तो माइनस 4 देखो बेटा ये इनवर्स है यहाँ पे, x यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनस 2 और प्लस 1, माइनस 2 और प्लस 1, वही फिर यहाँ पे जो पावर होता है वही फिर डिवाइड भी करते हैं और साथ में लगाते हैं कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एक और स्टेप बेटा इसका, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5x माइनस 4, देखो बेटा ये क्या आ जाएगा एक्स रेज पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय आ जाएगा माइनस 1 और साथ में c, तो ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5x माइनस माइनस बन जाएगा बेटा प्लस, यह आ जाएगा 4x रेज पावर माइनस 1 और प्लस
सी, अगर आप इसको नीचे भी लाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, वो भी आंसर आ जाएगा आपका 4, ये नीचे आके बेटा प्लस बन जाएगा 1 बाय एक्स और प्लस सी। तो यह है बेटा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5x, 4 1 4 डिवाइड बाई एक्स और प्लस सी। यह है आपका आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11।